हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास और हम आज बाबा का बाबा कंप्रेसर रिपेयर करने जा रहे हैं। ये चाइनीज़ कंप्रेसर है, हर कोई रिपेयर भी नहीं करता है इसको। और हम इसमें गैसकेट डालेंगे और पिस्टन के रिंग डालेंगे इसमें। और ये ऑयल फ्री के कंप्रेसर होता है। आप मेरी पूरी वीडियो बने रहिए, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँगा किस तरह रिपेयर होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रिपेयर करने। बिल्कुल मामूली चीज़ है, पार्ट्स भी आराम से मिल जाते हैं इसके ढूंढने पर, अगर आप ढूंढेंगे तो। ये देखिए, पहले जो इसकी जो गैसकेट है, देखो कितनी बढ़िया बुरी तरीके से कट चुकी है। और मैंने इसको दो बार चला रखा है गैसकेट, क्योंकि पिस्टन हमारा हाफ में चलता है। और ये मैं नई गैसकेट लेके आया हूँ और मैं इसको डालूँगा, पुराने वाली को निकाल दूँगा। पहले हम इसकी लहर देखेंगे, लहर तो नहीं है, लहर नहीं होना चाहिए। और हम इसकी गैसकेट फंसाएँगे अब उसके बाद लेंगे हम अपना बाल, और बाल के ऊपर जो रिंग जिसमें फिट होगा पिस्टन के ऊपर, पहले हम देखेंगे कहीं चटका हुआ तो नहीं है। और हम इसके जो ये जो ग्रुप हैं दो, ये ग्रुप हमको नीचे मिलना चाहिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और एक इसमें छेद है पिस्टन के ऊपर, जो बाल पे जो कसा जाता है इसके, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप में मिलना चाहिए। ये ग्रुप इस ग्रुप में मिलना चाहिए, अगर ये ग्रुप नहीं मिलेंगे तो दिक्कत करे, टॉप पर बोला टक 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 टक। ये जो नीचे के जो ग्रुप हैं इनमें फंसना चाहिए आराम से। और हमारा जो बाल है बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, अगर टेढ़ा वेढ़ा कसेगा तो ये फिर आधा कट जाएगा, आधा रह जाएगा। ये देखिए, हम इसको बढ़िया तरीके से सेटिंग बैठा लेंगे। इसकी सेटिंग बैठाने के बाद पूरा एकसार कर देंगे इसको। एकसार करने के बाद हम इसको दोबारा बाद में जो है इसका पेंच कसेंगे बीच वाला। और ये ध्यान रखना, पेंच कसो तो आप हल्के हल्के कसो कि आपका बाल जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए गैसकेट के अंदर। फिर जब टेढ़ा होगा तो अपने आप कट जाएगा बाल बहुत जल्दी, और स्क्रेच भी आ जाएंगे उस पर गैसकेट पे, क्योंकि बाल कट चुका होगा फिर तो लोहा टकरा रहा होगा उस पर पिस्टन। हल्के हल्के कसेंगे, बहुत हल्के हल्के कसेंगे इसको। बहुत आराम आराम से कसेंगे और देख लेंगे चारों कोने एक सार अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। चारों कोने हमारे जो है एक सार जाना चाहिए बिल्कुल। ये देखिए, हमारा टाइट हो चुका है। और हम इसको जो है हैंकी पलट के इसको और ज़्यादा टाइट करेंगे, क्योंकि जब वाइब्रेट होता है तो ये बार हमारा बोल्ट खुल सकता है। ये देखिए, हम और टाइट करेंगे इसको अब बढ़िया तरीके से। अब हमने इसको दबा दिया है, दूसरा वाला पिस्टन टॉप पे ले आए, क्योंकि जो भी हम पिस्टन पे काम करेंगे पहले हम उसको टॉप पे लेके आएंगे ऊपर। अब इसकी भी गैसकेट हम लगाते हैं, ये नहीं जो लेके आए हैं। अभी जो इसका जो रिंग होता है, रिंग हम इसके गैसकेट के ऊपर जो होता है हम इसको फिट करेंगे। पिस्टन पे कसा जाता है, और इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक नीचे ग्रुप एक ऊपर ग्रुप। ऊपर का ग्रुप जो है बिल्कुल फिट बैठना चाहिए, और नीचे का भी ग्रुप फिट बैठना चाहिए। अगर ऊपर नीचे होगा तो टॉप पे रहेगा ये, फिर कट 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 की आवाज़ आएगा आपका। ये देखिए, इसको भी रख के देख लेंगे एक बार कि हमारा ग्रुप ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और इसको भी देख लेंगे हम कि हमारा ग्रुप ठीक है कि नहीं है। अगर आप उल्टा कस देंगे ना इसको तो ये वैक्यूम बन जाएगा आपका। ये देखिए, इसका ग्रुप और इसका ग्रुप एक ही होना चाहिए। और फिर उसके बाद नीचे वाले का ग्रुप हम देखते हैं। बड़े आराम से सावधानी के साथ कसेंगे इसको। पहले हम सेट कर लेंगे बढ़िया तरीके से सेट हो रहा है कि नहीं, और आराम आराम से सेट करना है इसको। अभी मैंने थोड़ी वीडियो कट कर दी थी क्योंकि मेरी दुकान पे कस्टमर आ गया था। मैं जो ये जो कंप्रेसर बांध रहा हूँ दुकान पे ही बांध रहा हूँ, ना के घर पे। थोड़ी सी मैंने इसीलिए वॉइस ओवर करी है क्योंकि दुकान पे बहुत आवाज़ आ रही थी, टी टी पों पों चौं चौं की।
हम इस पर भी अब हल्के हल्के देखेंगे इसको चेक करके कि इसी के बिल्कुल मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें भी हम आहिस्ता आहिस्ते पेंच कसेंगे। अगर हम हल्के हल्के के पेंच कसेंगे तो हमारा जो पिस्टन पे जो रिंग जो चलता है वो फर्स्ट क्लास आएगा फिट। ये हम हल्के हल्के कस देंगे इसको। और हम इसको कस देंगे हल्के हल्के। और हम इसको कसते चले जाएंगे। और हम जो है पिस्टन को ज़रा कस के देखेंगे दबा के कि ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा, वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, देखना आराम से बिल्कुल। थोड़ा टाइट हो जाता है शुरू शुरू में क्योंकि ये ऑयल फ्री होते हैं। ये देखिए हमारा ये वाला पिस्टन नीचे आ गया, ये वाला पिस्टन हमारे टॉप पे आ गया। और हम गैस की डिस्क की इस्तार करेंगे और फिर इसका जो है हेड कसेंगे। ये देखिए हमने दोनों बराबर पे कर दिए, बिल्कुल गैस किट हम देख रहे हैं एक सार है कि नहीं है। गैस किट हमारी बिल्कुल एक सार होना चाहिए तभी पिस्टन हमारे बढ़िया तरीके से वर्क करेंगे। और हम इसका जो है अब हेड कसेंगे। और ये ग्रुप देख लेंगे इसमें ग्रुप हमारे सेम बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। ये देखिए इसका भी ग्रुप बिल्कुल सेम है। ये जो पेंच है इसके जो है पिस्टन के जो है उसमें जा रहा है पेंच हमारा। और एक ध्यान रखो कभी भी अगर हेड कसो किसी चीज़ का भी तो आमने सामने के पेंच कसना है हल्के 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 हल्के, ये नहीं कि पूरा कस देना है। अब इसे हम इसके हेड को रख देते हैं आराम से। और जब हम पेंच कसेंगे तो बिल्कुल आराम आराम से कसेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर जल्दबाजी करेंगे तो एक तरफ का आड़ा हो जाए एक तरफ का तिरछा हो जाए तो कंप्रेसर सही से बनेगा नहीं हवा। हम इसको कस रहे हैं हल्के हल्के। आमने सामने कसना है और पहले हल्के हल्के कसना है, हल्के हल्के टाइट करना है, हल्के हल्के बहुत मामूली सा, एकदम नहीं कि एकदम पूरा कस देना है, हल्के हल्के कसना है पहले हमें ये। ये हमारा पूरा फिट हो चुका है इस समय। और सारे बोल्ट जो हैं बहुत बढ़िया तरीके टाइट कर